Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed Jesus. Worthy is your name. Hallelujah. Hallelujah. Worship the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Jai Masih ki. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए गाएं प्रभु के लिए. ए खुदावंद मेरे तू कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू यूं है रब वाली धरती उते होवे भला लोग चंगेरा धरती उते होवे भला लोग चंगेरा ओ न देनल राजी रहंदा है दिल मेरा है खुदावंद मेरे तू कर रखवाली ना पकावन ओ दे खून दे मैं पकावा ना पकावन ओ दे खून दे कोठे दे उत्ते कह रहा मैं हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ना मैं नावी ओदा मूते भी ले आवा ए खुदावंद मेरे तू कर रखवाली तू मेरा से मेरी मेरा तू प्याला गाइए प्रभु नु कहिए मेरे नाल मिलके तू मेरा से मेरी मेरा तू प्याला तू मेरा से मेरी मेरा तू प्याला जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली गाइए मेरे साथ था है मिले गया वास्ते मेरे जेड़ा था है मिले गया वास्ते मेरे जेड़ा ओ है जगा सोनी सुथ रहे समेरा ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली मेरा सब
भरोसा तू यूं है रब वाली। हालेलुया। फादर वी कम बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस मर्सी एंड काइंडनेस एंड वी कम टू यू थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस ऑफ नैसरत। फादर वी एम्प्टी योर हार्ट्स एट योर फीट, रिमूव ऑल सुपरफ्लूटी, रिमूव ऑल फ्लेकीनेस, क्लेंस अस इन द ब्लड, वॉश अस एंड प्योरिफाई अस इन द ब्लड। हालेलुया। पार्डन एवरी इनिक्विटी, लॉर्ड कंडोन एवरी सिन एंड ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट योर होलीनेस एंड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ योर वर्ल्ड। फादर आई आस्क यू टू स्प्रिंकल योर ब्लड ओवर एवरी वन दैट इज वॉचिंग, एवरी वन दैट विल वॉच लेटर। फादर आई प्लीड योर ब्लड ओवर एवरी सोल। तेरा खून काम करे खुदावंद, इसी समय तेरे खून की कुदरत काम करे। हालेलुया। ओदे बिना असी किस कम दे, दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे। गाइए। यसु बिना असी किस कम दे, दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे। रूदा इमाम लेके आए हाँ, यसुदा पैगाम लेके आए हाँ, आए हाँ पैगाम लेके आए हाँ। यसु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा। यसु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा। उस तो आराम लेके आए हाँ, यसुदा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ यसुदा पैगाम लेके आए हाँ। हालेलुया। तेरा धन्यवाद खुदावंद। अपने कलाम को खोलना, हमें सिखाना, हमसे बातें करना, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। हालेलुया। एक बड़े अद्भुत परमेश्वर के पैगाम को मैं आपके बीच में बांटने वाला हूँ। अगर आपने फेसबुक पे पढ़ा होगा जो मैंने पोस्ट डाली, यीशु मसीह का 1000 साल का राज, द मिलेनियल रेन ऑफ जीसस। 1000 साल के लिए यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा। यरूशलम यीशु मसीह की कैपिटल होगी। यीशु मसीह पृथ्वी के सब कुल, गोत्र, भाषा, देश, मुल्क, संस्कृति, सभ्यता सबके ऊपर बादशाहों का बादशाह बन के राज करेगा। कहीं भी रिपब्लिकन नहीं होंगे, डेमोक्रेट नहीं होंगे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, थियोक्रेसी होगी। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के राज्य करेगा। आपको मालूम, बाइबल के अंदर मैं आपको बहुत सारे वचन दूंगा और मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग इन्हें टाइप करें। जबकि ये आपके मैसेजेस आते हैं तो स्क्रीन के ऊपर वचन आते रहें। जो यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है, उसके लिए एक होर टर्म भी यूज हुई है। इट इज़ कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड। और कई बार कन्फ्यूजन होता है जब आप देखते हैं, डे ऑफ द लॉर्ड इज अ डे ऑफ गॉड्स एंगर, गॉड्स रॉथ, इट्स अ डे ऑफ ग्लूम,
इट्स अ डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन वही अगर कन्वर्सली हम देखते हैं, वो यीशु मसीह के राज्य की शुरुआत का पहला दिन है, जब 7 साल का शैतान का पृथ्वी के ऊपर राज्य होगा। वो 7 साल का राज्य जब शैतान का खत्म होगा, उसका आखिरी दिन जब होगा, उसका आखिरी दिन यीशु मसीह के राज्य का पहला दिन होगा। हालेलुया। इफ यू रीड जपनाया, सपन्या नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 14 से 18 वचन पढ़ेंगे। जपनाया 1:14-18, सपन्या 1:14-18 वचन, ये बताता है कि ये दिन कितना खतरनाक दिन है। न्याय का दिन है, जजमेंट का दिन है, परमेश्वर के एंगर का दिन है। और अगर आप एक सेकेंड हो, हालेलुया हालेलुया, प्लीज कम बैक एवरीबॉडी, प्लीज रश रश रश, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बैक, इंटरनेट थोड़ा हिकअप दे रहा है, द लॉर्ड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस ब्रॉडकास्ट अंडर द ब्लड ऑफ द लैम। तो मैं आपको बता रहा हूं, जपनाया, आप प्लीज टाइप करते जाएं कोई, सपन्या चैप्टर नंबर 1:14-18, आप बीच में टाइप करते जाएं ताकि लोग बाद में उनको लिख सकें, आप नोट्स बनाएं, पूरे कलाम को समझें। सपन्या 1:14-18 में अगर आप पढ़ेंगे, सो इट्स अ डे ऑफ ग्लूम, इट्स अ टेरेबल डे ऑफ जजमेंट, इट्स अ ग्रेट डे ऑफ गॉड्स रॉथ, इट्स अ डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो डे ऑफ द लॉर्ड एक नेगेटिव शेड में दिखाई देता है। अगर आप इज़ेकियल 33:3-4 वचन पढ़ेंगे, तो प्रभु वहां पे कहता है, हाय हाय करें इस दिन के लिए, टेरेबल डे है। मलाकी नबी उसके 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि यह दिन तंदूर की तरह तप रहा है और ये रोस्ट कर देगा विकट लोगों को। हालेलुया। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस दिन को देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक, मैं चाहता हूं ये वचन हम पढ़ें, आइज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक निकालें, मैं हिंदी की बाइबल लाया हूं,
ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइबल है, तो पन्ने जुड़े भी होंगे, ये मत सोचना कि पेज जुड़े हुए हैं और मैं पढ़ता नहीं। मैं पढ़ूंगा। एक तरफ ये दिन डूम ग्लूम, परमेश्वर के एंगर, परमेश्वर की जजमेंट का है, लेकिन दूसरी तरफ ये दिन बड़ा ग्लोरियस है। यशायाह नबी की पुस्तक लिख लीजिए, बीच में टाइप कीजिए, आइजाया 11 वर्सेस 6-9, यशायाह 11:6-9। तो क्या कहता है प्रभु इस दिन के विषय में? तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के साथ, बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। जब प्रभु का दिन आएगा, यीशु मसीह का राज्य आएगा, भाइयों और बहनों, जानवरों के अंदर जो वैशी वायलेंस की, किल करने की, मारने की नेचर है, यीशु मसीह के आने से चली जाएगी। जब उसके चरण छुएंगे इस धरती को, धरती से श्राप चला जाएगा। जानवर एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। ये देखिए, भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग, चीता बकरी के बच्चे के संग, बछड़ा जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, बच्चा उनको घुमाएगा, बच्चों के साथ शेर चीते भालू हाथियों के साथ बच्चे खेलेंगे। द डेज ऑफ मोंगली आर गोइंग टू बी बैक। हालेलुया। गायें और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। हालेलुया। थोड़ी प्रॉब्लम है मांस खाने वालों के लिए। दूध पीता बच्चा करैत के बिल में खेलेगा, कोबरा स्नेक को हाथ से पकड़ेगा दूध पीता बच्चा। हालेलुया। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्रों में भरा रहता है। ये है यीशु मसीह का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। एक दिन है, 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी पे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 7 साल का सताओ, उसके ऊपर भी हम और अध्ययन करेंगे। टेरेबल टाइम है पृथ्वी के ऊपर, टेरेबल टेरेबल टाइम, क्योंकि शैतान पृथ्वी पे उतर के आके पृथ्वी पे अपना हेडक्वार्टर बना के रहेगा। और इतनी अफ्लिक्शन, इतनी पेन, इतनी दुख, और 1/3 पॉपुलेशन मार दी जाएगी, और एक के बाद एक ट्रेजेडी, कैटास्ट्रोफी, नेचुरल कलामिटी पृथ्वी के ऊपर आएगी। हालेलुया। तो अगर आप दूसरा पत्रस 3:8 और जबूर 90:4, दूसरा पत्रस 3:8, जबूर 90:4 देखेंगे, एक दिन 1000 साल के जैसा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में शुरू से आप देखेंगे। मैं और कुछ वचन दूंगा आपको, ये आप लिख लीजिए, रेवलेशन चैप्टर नंबर 20, शुरू से ही 1000 साल का राज्य यीशु मसीह का शुरू हो जाता है। इसे द डे ऑफ द लॉर्ड कहा गया है। हालेलुया। और अगर आप मत्ती 24 पढ़ेंगे तो इसे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा गया है, अर्थात ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जैसे ही एंड होती है वैसे यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 7:11-14 को पढ़ेंगे तो ये मिड ट्रिब का पीरियड है, 1260 दिन और 1260 दिन, जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो इसराइल के साथ एक वाचा बांधेगा, कवनेंट बांधेगा। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय में उसके विषय में लिखा है। लेकिन वो इसराइल के साथ बांधी गई वाचा को, वो टेंपल भी बनवाए, टेंपल के अंदर सब कुछ करेगा, मूर्ति रखेगा, मैंने आपको कल बताया था, दी अबामिनेशन ऑफ डेसोलेशन। और मिडवे में जाके वो इसराइल के साथ उस ट्रीटी को तोड़ देगा, उस ट्रीटी को तोड़ेगा, और परमेश्वर 2 विटनेसेस को, 2 गवाहों को भेजेगा। वो 3.5 साल तक, 1260 दिन तक प्रचार करेंगे, इसराइल को प्रभु की ओर खींचेंगे। जैसे कलीसिया उठ गई वैसे ही परमेश्वर इसराइल के अंदर काम करना शुरू करेगा। वचन में लिखा उनकी आँख के ऊपर पट्टी पड़ी है, वचन में लिखा उनके अविश्वास के कारण कुछ टहनियों को काट दिया गया जैतून के दरख्त में से। हम जंगली थे, हमें परमेश्वर ने बीच में रोक दिया। तो प्रभु यह भी कहता है, 9 अध्याय रोमियो और 11 अध्याय रोमियो की पत्री पढ़िएगा, प्रभु कहता है तू जंगली था, तुझे अनुग्रह से बीच में रोपा गया, घमंड मत करना, जिसने असली को नहीं छोड़ा वो तुझे भी काट देगा अगर तू घमंड करेगा। अगर तू स्थिर है तो विश्वास के द्वारा है,
परमेश्वर एकदम इसराइल के अंदर काम करना शुरू करेगा। दो गवाह आके प्रचार करेंगे उनके बीच में, 144,000 जवान तैयार करेंगे, वो इतना जबरदस्त प्रचार करेंगे, तब होंगे साइन एंड वंडर। पढ़ लीजिए 13, 11, 12, 13 अध्याय पढ़िए, प्रकाशित वाक्य। साइन एंड वंडर होंगे उन 144,000 के द्वारा। इसराइल को, जूश लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने की प्रिविलेज नहीं मिली, वो उन्हें मिलेगी, और सबसे टेरेबल टाइम में वो प्रचार करेंगे, तब होंगे साइन एंड वंडर। साइन और वंडर आपको मालूम क्या होते हैं? साइन और वंडर ऐसा फिनोमेना होते हैं जिसे लोग ग्लोबली देखते हैं, और उन फिनोमेना का पूरे विश्व के ऊपर असर पड़ता है। अभी है मिरेकल एंड हीलिंग, साइन एंड वंडर होंगे तब जब 144,000 जिनके यहोवा परमेश्वर अपना निशान लगाएगा, हालेलुया, और एंटी क्राइस्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो उठा लिए जाएंगे। एक जगह आता है ना वचन के अंदर, पूछता है फरिश्ता, ये कौन लोग हैं यूहन्ना से जो सफेद कपड़े पहन के ऊपर आ गए हैं भीड़? तो यूहन्ना कहता है, आप ही जानते हो, एक पंजाबी गीत है, एक कौन ने जो बदला वांगू उड़दे जा रहे ने, एक कौन ने जो बदला वांगू उड़दे जा रहे ने, हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे ने, कौन ने जो बदला वांगू उड़दे जा रहे ने। मैंने उनके विषय में आपको बताया था, उनके विषय में ये लिखा गया है कि उन्होंने अपने कपड़े साफ किए हैं। तो मैंने आपको ग्रीक कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, ग्रीक ग्रामर एक दिन मैंने प्रचार किया था, मैंने कई ग्रीक स्कॉलर्स की बुक स्टडी की, उनके रिसोर्सेज स्टडी किए। ग्रीक स्कॉलर बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके कभी वस्त्र साफ नहीं थे, लेकिन इन्होंने ट्रिबुलेशन में अपने वस्त्र साफ किए। ए ओ ने वस्त्र अपने जिनाने कीते साफ ने, खून यसु दे नाल तोते हथ भी साफ ने, ताइयों ते खुदावंद दे खादम कहला रहे ने, हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे ने, कौन ने जो बदला मांगू। ये मिड ट्रिब में कई लोग, इसीलिए आपको मालूम यूएस में ये डॉक्ट्रिन पैदा हुई, प्री ट्रिब, हम ये मानते हैं कि हम 27 से पहले उठा लिए जाएंगे, इसे प्री ट्रिब बोलते हैं। एक मिड ट्रिब है, इसको वो मिड ट्रिब बोल देते हैं। मिड ट्रिब रैप्चर नहीं है चर्च का, ये 144,000 लोगों के विषय में। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 2 और 3 वचन, रेवलेशन 11:2-3, प्रकाशित वाक्य 11:2-3, प्रकाशित वाक्य 12:6, प्रकाशित वाक्य 13:5 पढ़ेंगे, तो आप देखते हैं कि मिड वे में जाके शैतान वाचा को, ट्रीटी को तोड़ देता है। किसके साथ? इज़राइल के साथ, हालेलुया। और ये जो 144,000 हैं, वचन में मैंने आपको बताया था कि वो जो दो गवाह हैं उनको शैतान मार देता है, वो एलिया और मूसा हैं, एलिया और हनूक हैं, दो तरह की लोगों के अंदर अर्ली चर्च फादर भी जो थे, थोड़ा डिवाइडेड थे, लेकिन पॉलीकार्प और आइरेनियस मानते थे कि वो एलिया और मूसा हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है 3.5 डेज के बाद सुपर नेचुरली वो रेजरेक्ट होंगे और सबकी आंखों के सामने स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। बहुत कुछ 7 ईयर्स के अंदर होगा, हालेलुया। और आपको मालूम हमें परमेश्वर उठा के ले जाएगा, दुल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा, दुल्हन दूल्हा के साथ जाएगी ट्रिबुलेशन से पहले, और 7 में जब हम चले जाएंगे 7 ईयर्स के लिए, आपको मालूम क्या होगा वहां पे? मैरिज सपर ऑफ द लैम। पढ़ें एक वचन जल्दी से, एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 19 अध्याय निकालिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, रेवलेशन 19 उसके 5 वचन से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 19:5 से।
तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हेवन के अंदर क्या होगा? सेलिब्रेशन होगी, मैरिज सपर ऑफ द लैम। आपको मालूम ये जो जलाली दूल्हा है ये अपनी तेजस्वी दुल्हन से कहाँ मिलेगा? ना जमीन ना आसमान, दोनों के बीच में मिलेगा। हालेलुया, बादलों में मिलन होगा। हालेलुया, ही विल कम हाफ वे, यू विल हैव टू राइज अप हाफ वे। हालेलुया। और क्या लिखा है यहां पर? मेमने का विवाह आ पहुंचा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जिसने इंटेंशनली अपनी प्रेपरेशन की है, इंटेंशनली अपने आप को तैयार किया है, ये दुल्हन के लिए आ रहा है, ईसाइयों के लिए नहीं आ रहा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, ये अपनी दुल्हन के लिए आ रहा दूल्हा। ये सारी शादी की बातचीत है, मैरिज की बातचीत है। और वचन में लिखा है उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, आपको स्टडी दी है, वीडियोज़ हैं बीच में, आप देख सकते हैं, उसके कपड़ों में से ज्योति निकल रही है जो दुल्हन ने पहने हैं, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जितने आपका जीवन धरती पे पवित्र था, जितना आप प्रभु के संग जिए, प्रभु के लिए आपने शरीर की अभिलाषा पे विजय पाई, आँखों की अभिलाषा पे विजय पाई, जीविका के घमंड पे विजय पाई, आप फल लाए प्रभु के लिए, आपने वफादारी का जीवन गुजारा, आप परमेश्वर की राहों पे चले और आप राइचस थे, जितना आपकी डिग्री होगी पवित्रता की प्रभु के साथ पृथ्वी पे, जितना सेक्रीफिशली प्रभु के लिए जिए, उतनी ही ऑरा आपकी बॉडी में से निकलेगी। ये जो कपड़े हैं दे विल रेडिएट द लाइट ऑफ गॉड। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लिव विद द लॉर्ड नाउ। अब प्रभु के संग आपका जीवन कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये दिस यू नो लिलन दैट द ब्राइड विल वेयर, इट फ्लैशेस विद लाइट एंड इट इज द वर्क ऑफ राइचसनेस ऑफ द सेंट्स। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने तो अपनी राइचसनेस हमें दे दी जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, लेकिन उस यीशु मसीह की राइचसनेस के साथ हमने क्या काम किए हैं उससे ये हमारे कपड़े तैयार हुए हैं। हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, ये मैरिज सफर एक साल तक चलेगा। मैरिज सफर दुल्हा का दुल्हन के साथ रोमांटिक फेज है। एक वचन पढ़िए आप, व्यवस्था सार 24 एंड वर्ड्स नंबर 5, व्यवस्था सार 24 का 5। तो एक साल उसे अपनी, सो दैट दे बोथ गेट टू नो ईच अदर। इसराइली फौज में जो सोल्जर होता था जब उसकी शादी होती थी, उसे एक ईयर के लिए ईयर्स हनीमून, ये वचन भी लिख लीजिए बीच में, उस बैंक्वेट के विषय में बता रहा है। एक मासिव जबरदस्त ग्रैंड सपर होगा हेवन के अंदर। हालेलुया, दूल्हा और दुल्हन का। हालेलुया। आपको मालूम जब ऊपर एक सफर होगा और वो 7 इयर्स के बाद खत्म होगा, बैंक्वेट द ग्रेट सफर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन हेवन, पृथ्वी के ऊपर भी एक सफर ऑफ गॉड ऑफ इज़राइल, इज़ेकियल 39 में बताया गया, वो एक लड़ाई है, महायुद्ध है गोग मगोग का। हालेलुया। आपको मालूम 7 साल के बाद यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आएगा और हम यीशु मसीह के साथ आएंगे, आप सब जो उठाए जाएंगे, जो जलाली दुल्हन उसके संग जाएगी, वो सब यीशु मसीह के साथ वापस लौटेंगे
एक हजार साल के लिए पृथ्वी पे राज्य करने के लिए हम वापस आएंगे यीशु मसीह के साथ। पढ़िए, मैं कुछ वचन देना चाहता हूँ आपको। यीशु मसीह पृथ्वी पे आएगा, रीड रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 से, सब बच्चे आप सबको ये शिक्षा मिले। रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 और उसके 11 वचन से मैं पढ़ू। देखिए, फिर मैंने सबको खुला देखा और देखता हूं कि एक श्वेत पहली मोहर खुलती है, वचन 6 में, वो भी सफेद घोड़े पे आता, व्हाइट हॉर्स पे। वो कौन है? वो इम्परसोनेटर है, वो नकली है, झूठा मसीह है। ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, श्वेत घोड़े पे आ रहा है। जब पहली बार यीशु मसीह आया, आपको मालूम कैसे गया? वो गधी के बच्चे पे गया, क्योंकि राजा जो हलीम होते थे वो गधी के बच्चे पे एंट्री करते थे। लेकिन जब राजा अपने उग्र रूप में जाता है के ऊपर हॉर्स पर एक सवार है जो व्हाइट हॉर्स, वह धर्म के साथ न्याय करता है। आई टॉट बिफोर द थ्रोन यू मस्ट एंटर इनटू द जुडिशियल टू द कोर्ट रूम्स ऑफ गॉड, यू मस्ट सेटल योर गॉड, देन मूव इनटू द वॉर जोन। आई वाज टीचिंग यू 82.8% प्रेयर डील्स विद द जुडिशरी ऑफ गॉड, ओनली 18% ऑफ प्रेयर एक्चुअली रिलेट्स विद स्पिरिचुअल इन प्रेयर इन हिब्रू इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ग्रीक वर्ड दैट आई यूज फॉर प्रेयर इन द न्यू टेस्टामेंट। यू नो देर आर नियरली टू स्कोर्स, ओवर टू स्कोर्स ऑफ Hebrew and Greek words that are used for prayers. Prayer engages in the courtroom. तो ये क्या करता है? यहां पर क्या लिखा है? धर्म के साथ न्याय पहले judiciary है and then spiritual warfare है। वो युद्ध करने आता है और क्या लिखा है? उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र is dipped in the blood, लहू के अंदर लिबड़ा हुआ वस्त्र पहने आ रहा है वो। कुछ बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि ब्लड है, कहते हैं दिस इज द ब्लड ऑफ। आपको मालूम जब जीसस आएगा, यशाया नबी की पुस्तक पढ़ें, जल्दी से निकल, यशाया नबी की पुस्तक, आइजाया 63 नबी की पुस्तक 63 चैप्टर निकालिएगा, आइजाया 63:1-3, यशाया 63:1-3। अब देखिए, ये कौन है जो अदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता है और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है? तेरे वस्त्र हौद के दाखरस रौंदने वाले के समान है। मैंने तो अकेले ही हौद की दाखरसे रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा और लहू के छींटे मेरे हैं, इससे मेरा सारा पहरावा बेदार हो गया है। तो ये वचन बताता है द वेस्चर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एनिमीज एज जीसस कम्स आफ्टर ट्रिबुलेशन इज ओवर। द लास्ट डे ऑफ द ट्रिबुलेशन इज द फर्स्ट डे ऑफ द मिलेनियल रेन। महाक्लेश का आखिरी दिन यीशु मसीह के राज्य का पहला दिन है। वो जलाली राजा ऊपर से उतरता है, जलाली घोड़े हैं स्वर्गी और हम उसके संग आ रहे हैं। सबसे पहले यीशु मसीह बोसरा में जाता है जूश लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया।
इंटरनेट इज रियली गिविंग प्रॉब्लम। हालेलुया। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? हालेलुया। आप सभी हैं ऑनलाइन? प्लीज शूट। हालेलुया। अगर आप सभी ऑनलाइन हैं और आपको सुनाई दे रहा है, हालेलुया। तो यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह के साथ हम सब लोग आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहां लिखा है 63 आइजाया वर्सेस 1-3, ही सेव्स जूज। सबसे पहले बोसरा में यहूदियों को बचाने जाता है और उससे सवाल किया जाता है कि तेरा पहरावा लाल कैसे है। यीशु मसीह कहते हैं अकेले युद्ध किया है। यीशु मसीह को फौज की जरूरत नहीं है, हमारे परमेश्वर को हथियार असलाह की जरूरत नहीं है, शस्त्रों की जरूरत नहीं है। उसके मुंह की तलवार जो है, हालेलुया, दोधारी तलवार से चोखी है। हालेलुया। वो पहाड़ों को रौंद देती है, उसके कोप के आगे पहाड़ भाग जाते हैं, समुद्रों के पानी छिपते हैं उसके आगे। हालेलुया। पृथ्वी, आकाश, सौरमंडल और पताल कांपता है उसके आगे। वो अकेला युद्ध लड़ रहा है, उसे फौजों की जरूरत नहीं, हमें उसके संग युद्ध करने की जरूरत नहीं है। ही अलोन इज फाइटिंग। और क्या कर रहा है? वो रौंद रहा है, किन्हें? अंगूरों को रौंद रहा है और दाखरस बना रहा है। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है। हालेलुया। वॉइस आ रही है मेरी? हालेलुया। ऑलराइट। तो प्रभु बताता है मेरे वस्त्र लाल क्यों हुए हैं। हालेलुया। वो बोसरा में जाता है और फिर उसके बाद यीशु मसीह कहां जाता है? जल्दी से निकालें जकरिया नबी की पुस्तक। जकरिया नबी की पुस्तक। हालेलुया। मलाकी से पहले, अगर पीछे से आएंगे मलाकी से पहले, जकरिया उसका 12 अध्याय। हालेलुया। जकराया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 7, जकरिया 12 का 7। इसके बाद यीशु मसीह क्या करता है? बोसरा में यहूदियों को बचाता है। यहां लिखा है यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। हालेलुया। और वह दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। यीशु मसीह किसे बचाएगा? यहूदा को बचाएगा। हालेलुया। और आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, मैंने पढ़ा आपके लिए पहले वो वचन, मैं फिर पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। और यहाँ पे लिखा है श्वेत घोड़ा है। ये जो घोड़े हैं, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11 वचन से अगर आप 16 वचन तक पढ़ेंगे तो 16वें वचन में लिखा है उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और इसका 15 वचन कहता है जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा। हालेलुया। जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ही इज कमिंग। जीसस विल कम फुल ऑफ रॉथ एंड इंडिग्नेशन एंड ही विल पोर आउट हिज फ्यूरी अपॉन ऑल दोज हु रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, ऑल दोज हु डिफाइड हिम, ऑल दोज। ये सब लोग कौन है मैं भी आपको बताता हूं। ये यीशु मसीह आएगा स्वर्गीय घोड़ों रथों के ऊपर। अगर आप दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 1-14 वचन पढ़ेंगे, स्वर्ग के अंदर ट्रांसपोर्ट हैं, जलाली ट्रांसपोर्ट, रथ हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है। एलिया को लेने के लिए अग्नि के रथ आए और अग्नि के घोड़े जो एलिया को स्वर्ग ले गए। दूसरा राजा 2 अध्याय 1-14 वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह जब आएगा ऊपर से, हालेलुया, जलाली घोड़ों के साथ यीशु मसीह आता है, तो क्या लिखा है जकराया नबी की किताब में? यीशु मसीह आएगा, आपको मालूम कहाँ लैंड करेगा यीशु मसीह स्वर्ग से? सीधा यीशु मसीह माउंट ऑफ ऑलिव को आके टच करेगा, जिसे हम जैतून का पहाड़ कहते हैं। मैं एक वचन देना चाहता हूँ, लिखिए बीच में वचन, लिख लीजिए जकराया चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 4। टर्न टू जकराया, जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 4 वचन, जकरिया 14:4। यीशु मसीह आएगा सीधा स्वर्ग से आके उस घोड़े के ऊपर जलाली। यीशु मसीह के पांव क्या करेंगे? जैतून के पहाड़ को,
माउंट ओलिव को, जिसे जैतून का पहाड़ कहते हैं। मत्ती की इंजील 24 अध्याय में यीशु मसीह ने अंत के समय की सबसे बड़ी और सबसे अलौकिक भविष्यवाणियां जैतून के पहाड़ पे की हैं। उसे ओलिव ओलिवेट डिस्कोर्स कहा जाता है। हालेलुया। तो यहां पे जकरिया 14 उसके 4 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। यीशु मसीह के पांव जैसे जैतून पहाड़ को छुएंगे, जैतून पहाड़ फट जाएगा और एक बहुत विराट तराई पैदा हो जाएगी उसके बीच में। इट शैल क्लीव इन टू। और आपको मालूम, इजिकियल नबी की किताब पढ़ लीजिए जल्दी से। इजिकियल नबी की पुस्तक, हालेलुया, उसका 47 अध्याय जल्दी से निकालिए। इजिकियल 47, इजिकियल नबी की किताब 47 अध्याय उसके 8 वचन से जल्दी से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इजिकियल 47 और उसके 8 वचन से मैं पढ़ता हूँ। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर और अराबा में उतरकर ताल की ओर, यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेगलम तक जाल फैलाएंगे और उन्हें महासागर की भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल गड्ढे हैं वह जल मीठा ना होगा और वह खारे रहेंगे। वचन परमेश्वर का भविष्यवाणी करता है। इज़किएल क्या भविष्यवाणी करता है कि जो माउंट टेंपल माउंट है जहां पे हैकल थी, जहां पे हैकल बनेगी बाद में, उस हैकल की सरदल में से एक नदी निकलेगी और वो नदी बह के निकल के किधर चली जाएगी, सदरन साइड में जाएगी, साउथ की ओर जाएगी। और वो नदी का पानी, विशाल झरने का पानी जाके कहाँ गिरेगा, डेड सी में गिरेगा। अगर आप इज़राइल गए हैं तो आपने डेड सी देखा होगा, डेड सी जिसे मृतक सागर कहते हैं, खारा समुंदर कहते हैं। आपको मालूम डेड सी कैसी जगह है? डेड सी पृथ्वी की सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस जमीन की सबसे निचली सतह है डेड सी। मीन सी लेवल से 1500 फीट नीचे है डेड सी। और डेड सी की डेंसिटी 18-19 टाइम ज्यादा है पानी से, इसलिए डेड सी के अंदर लोग फ्लोट करते हैं, डूबते नहीं हैं। आपको मालूम इसे डेड सी क्यों कहा जाता है? आपकी बाइबल के पीछे होगी, मैप्स होंगे, उनको पढ़िएगा कभी, इज़राइल के मैप को आप देखेंगे। हरमन पहाड़ से लबनन की ऊपर से बर्फ गिरी होती पहाड़ों पे, उसका पानी पिघलता है और पानी झरना बन के नीचे आता है और दान की ओर से निकलता है पानी। फिर वो पानी जो है गलील की झील में आता है और नीचे जर्दन का दरिया बन के निकलता जाता है और वो सारा पानी जाके कहाँ गिरता है, डेड सी में। ऊपर से आ रहा है जो गलील की झील है, गिनेसरत की झील जिसे बोलते हैं, उस झील में बहुत पानी है, वो सारे का उसमें से पानी निकल के दरिया बन के डेड सी में जाता है। तो गलील की झील अलौकिक जगह है। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह जबलून और नफ्ताली में क्यों रहा, एक बहुत जबरदस्त मैसेज है इसमें, जबलून और नफ्ताली के ऊपर पढ़िएगा, इस सुनिएगा कभी, इसी में मिल जाएगा आपको मेरे मैसेजेस के अंदर, पावरफुल मैसेज है वो। यीशु मसीह जाके जबलून और नफ्ताली में रहा, कफरनहूम के इलाके में। क्यों? जबलून और नफ्ताली की हिस्ट्री पढ़िए, उनकी दो खास बातें हैं। वो अपने जीवन से प्यार नहीं करते थे और दूसरी बात, वो पैसे के प्रेमी नहीं थे। दे हु डू नॉट लव देयर लाइव्स, जो अपने जीवन को प्रभु के लिए प्रिय नहीं समझते और जो डॉलर से, स्टर्लिंग से, यूरो से, रिंगिट से, रैंड से, रुपए से प्यार नहीं करते, प्रभु से करते हैं, प्रभु उनके संग रहता है जाके। हालेलुया। पढ़े वचन, पता लगेगा आपको किन के संग प्रभु रहता है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, यहां से पानी निकल के जाता है और
ला जो ये डेड सी है, ये भविष्यवाणी है, डेड सी, डेड सी है, मरा हुआ सागर है, और लाइफ सारी गलील की झील में। यीशु मसीह कभी भी डेड सी में नहीं गया। यीशु मसीह ने ना उधर प्रचार किया, ना उधर कोई चमत्कार किया। यीशु मसीह ने सारे काम गलील की झील के पास किए, क्योंकि गलील की झील में जीवन है, क्योंकि गलील की झील ले रही है और दे रही है। आपको मालूम, जो मसीह बंदा सिर्फ लेता ही है, आगे देता नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुका है। आपको मालूम, वट एवर गॉड गेव मी, आई एम नॉट द ओनर, आई एम ओनली अ मैनेजर। वट एवर गॉड हैज गिवन मी, इवन दिस ओन बॉडी ऑफ माइंड, इवन 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 द एयर दैट आई ब्रीद, एवरी थिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आई एम जस्ट ए कॉन्डूट, आई एम ए रिसोर्स, जीसस इज द सोर्स। बहुत से मसीह लोग अपने आप को सोर्स समझते हैं और इन दुनियावी चीजों से ऐसे चिपट जाते हैं, इनसे प्यार करते हैं प्रभु से ज्यादा, तो प्रभु शोकित होता है। आपको मालूम, पृथ्वी पे सब रिसोर्सेज हैं, सोर्स एक है, उसका नाम है जीसस ऑफ नेजरेथ। डोंट थिंक यू आर द सोर्स, यू आर जस्ट ए कॉन्डूट कनेक्टेड टू द इटर्नल सोर्स। सी ऑफ गैलिली रिसीव्स एंड गिव्स, डेड सी ओनली रिसीव्स एंड गिव्स टू नो वन। इसलिए वहां पे जीवन नहीं है। कई मसीह लोग डेड सी की तरह हैं और कई मसीह लोग गलील की झील की तरह हैं, जिस इलाके में जीसस रहते हैं, यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे पढ़ रहा था। कुछ प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने सर्वे किया माउंट ऑफ ऑलिव का। आपको मालूम, यूएस की एक बड़ी होटल की चेन एक मासिव होटल खोलना चाहती थी 2000 से पहले, कहाँ पे? इसराइल में, और माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून के पहाड़ पे होटल खोलना चाहते थे। जैतून के पहाड़ का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन जब उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया गया, सोनोग्राफी की गई, तब उन्होंने पाया कि जो जैतून का पहाड़ है, उसके नीचे एक फॉल्ट लाइन है, बड़ी बड़ी ही वॉलेटाइल फॉल्ट लाइन है, और वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में मासिव अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे, और उन्होंने होटल नहीं बनाया वहाँ पे। देखिए कितनी सटीक बात है, परमेश्वर ने जैसे सब कुछ पहले ही प्रिपेयर करके रखा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक जूश रब्बी, बड़े ही फेमस नोटेबल जूश रब्बी, उन्होंने कुछ अमेरिकन प्रीचर्स पे ये बात डिक्लेयर की कि जो माउंट ऑफ ऑलिव का जो क्या कहते हैं, जहाँ पे अभी अल अस का मॉस्क है, जहाँ पे जिसे टेंपल माउंट कहते हैं, उस जगह के नीचे आश्चर्यजनक ढंग से पानी आना शुरू हो गया, जैसे एक झरना बह रहा है नीचे, और उनको मालूम नहीं कि ये सोर्स कहाँ से है। जियोलॉजिकल सर्वे में भी पता नहीं लगा, कुछ कंजेक्चर्स हैं, वो बोलते हैं कि शायद बैतल से आ रहा है ये पानी। वो पानी ऑलरेडी बह रहा है, जो वचन में लिखा है, हैकल की सरदल में से पानी बहेगा, और वो पानी कहाँ पहुँचेगा? डेड सी में। आपको मालूम, ये डेड सी की हिस्ट्री क्या है, ये डेड क्यों है? ये डेड इसलिए है क्योंकि डेड सी की सदरन साइड में कम्युनिटियाँ रहती थी जो बहुत पापी थी और दुष्ट थी। उन कम्युनिटी का नाम था सदोम और गमोरा। वो पुरुष पुरुषों के साथ गलत काम करते थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ, और यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी गलत काम करते थे। वो बहुत गंदी भ्रष्ट कम्युनिटीज थी। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पश्चाताप का अवसर दिया, लेकिन वो रिपेंट नहीं किए। जब यहोवा परमेश्वर के एंजल गए लूत को बचाने, दे वॉन्टेड टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप इवन विद द एंजल्स। तो वचन में लिखा है कि एंजल्स ने दे स्मोट देम एंड दे बिकेम ब्लाइंड, और परमेश्वर ने उनके ऊपर श्राप भेजा, साडम एंड गोमोरा पे। हालेलुया। एलजीबीटी इज नॉट एक्सेप्टेड इन हेवन। गॉड लव्स द सिनर्स बट गॉड डजंट लव द सिन। वचन में लिखा है, पढ़ लीजिए,
कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पुलुस कहता, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा काम करने वाले व्यभिचारी, पुरुषगामी, स्त्री स्त्री के साथ करने वाले, मैं बताऊंगा ग्रीक में कितनी जबरदस्त डेमोनिक स्पिरिट्स हैं वो। ग्रीक टेक्स्ट स्टडी करके किसी दिन आपको उस पर टीचिंग दूंगा, कितनी जबरदस्त बदरू हैं। उसके अंदर पेडोफीलिया भी है, जो छोटे बच्चों के साथ, ये डीप स्टेट वाले और इल्यूमिनाटी फ्री मेसनरी ये रिचुअल करते हैं अकल्टिक, जिनमें छोटी एज 9 ईयर से बिलो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, जिसे पेडोफीलिया कहा जाता है। बच्चों की कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं शैतानी डीमंस को, गंदी रूहों को। साडम एंड गमोरा ये काम करता था। परमेश्वर ने उनके ऊपर आग और गंधक बरसाई। आपको मालूम उनकी बॉडीज रिट्रीव करते हैं रेलिक, सल्फर के अंदर ऐसे जमी पड़ी हैं उनकी डेड बॉडीज, और वो सारा एरिया उसे ट्रेवलर्स वैली कहा गया है, जहाँ पे बदरुएं सम्मन की जाएंगी, जो आखिरी बैटल आर्मगेडन की होगी। ऑल डीमंस, ऑल डेमोनिक फोर्सेस, अंडरवर्ल्ड की सब बदरुएं, पानियों में रहने वाली मरीन स्पिरिट, हवाओं में रहने वाली गंदी बदरुएं, हर धर्म मजहब के पैंथियोन के फॉल्स गॉड सब आएंगे, और फाइनल बैटल होगी एंड गॉड विल डिस्ट्रॉय देम। तो ये इसलिए डेड है, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, अगर आप इजिकियल, मेरा ख्याल आपने पढ़ लिया, इजिकियल 47:8-11 पढ़ेंगे, डेड सी में लाइफ आ जाएगी। जब जीसस आएंगे डेड सी में मछलियां आ जाएंगी, डेड सी के अंदर परमेश्वर दोबारा से जीवन भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम रेवलेशन 11:13 में लिखा है, जब दो खुदा के उनको मारता है रेजरेक्शन होती है, तो अर्थक्वेक आता है, मासिव अर्थक्वेक। इसराइल में बहुत से अर्थक्वेक आएंगे सीरीज में, ब्यूटीफुल लैंड है इसराइल, लेकिन इतनी जबरदस्त डेवस्टेशन आएगी 7 साल के शैतान के राज्य में, बिल्कुल फेस चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह आके मुंह की तलवार से हरा देंगे उस बैटल में उन्हें, और 1000 साल का राज्य यीशु मसीह पृथ्वी पर स्थापित करेंगे, तो एक वचन पढ़ें, बड़ा खूबसूरत वचन आपको देता हूँ, पढ़िए जल्दी से, निकालिए प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय जल्दी से निकालें। हालेलुया, मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का पहला वचन पढ़ें। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 साल के लिए बांध दिया। जीसस आए, यीशु मसीह अपने थ्रोन पे बैठेंगे, हालेलुया, और राज्य करेंगे, और शैतान को एक दूत आके, ग्रीक वर्ड है एगलॉस, परमेश्वर शैतान को उसकी औकात दिखा रहा है, परमेश्वर शैतान को बता रहा है कि तुझे बांधने के लिए मुझे आर्कएंजल की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े बलि दूत की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एगलॉस, एक एंजल काफ़ी है। वो एंजल उस पुराने सांप को बांध देता है, और लिखा है उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? अथाह कुंड में, ग्रीक वर्ड है एबसूस, जहाँ से वर्ड निकलता है एबिस, एबिस जिसे बोलते हैं, अथाह कुंड, वो जगह जिसका बॉटम नहीं है, उस यू कीप फॉलिंग थ्रू आउट इटर्निटी, यू नेवर टच द बॉटम, दैट्स अ नेगेटिव डिमेंशन, एक ऐसी डिमेंशनल रियलिटी है जो नेगेटिव है, जिसमें यू नेवर लैंड, यू कीप फॉलिंग। तो शैतान को बांध के फेंका जाएगा, और आगे लिखा है उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। कितने समय के लिए? 1000 साल। हम वहाँ होंगे इसराइल में जीसस के साथ, जब उसको बांधा जाएगा, देखिएगा वो नज़ारा, मैं तो ज़रूर देखना चाहता हूँ। अगर मुझे प्रभु परमिट देंगे, मैं किक भी मारूंगा उसे, जिसने दुनिया को इतना दुख में डाला है, उसे 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, और एक सील लगाई जाएगी ताकि ट्रांस डिमेंशनली वो रू ट्रैवल ना कर सके, यहोवा की सील लगेगी, और उसे बंद कर दिया जाएगा 1000 साल के लिए। 1000 साल ईवल नहीं होगी पृथ्वी पे, पाप नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा।
पृथ्वी पे आपको मालूम वो लोग होंगे, कौन से लोग, जो मैंने आपको बताया, जो ट्रिबुलेशन में से निकल के आ जाएंगे। सारी दुनिया मरेगी नहीं, पृथ्वी के अलग अलग जाति, कुल, गोत्र, भाषा, देश के लोग सरवाइव कर जाएंगे। काफी सरवाइव करके 7 साल का शैतान का राज्य मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय कोई डीमन नहीं होगा, शैतान को बांध दिया जाएगा और पृथ्वी के ऊपर सच्चा शालोम, सच्ची शांति को लोग रियलाइज करेंगे। और आपको मालूम हम जलाली देह में होंगे, आप भी मैं भी, हम सब नई देह पे हमारे पास होगी, ज्योति की बनी देह। और हमें मुकुट मिलेंगे, मुकुट का मतलब अलग अलग अथॉरिटीज मिलेंगी हमें, अलग अलग प्रिविलेजेस मिलेंगी। हम चांसलर होंगे, गवर्नर्स होंगे, रूल करेंगे, किंगशिप हमें मिलेगी, यीशु मसीह देगा। पूरे ब्रह्मांड के ऊपर किंगशिप, रूलरशिप हमें मिलेगी, यीशु मसीह के साथ को रीजेंट होंगे। हालेलुया। ये नहीं कि इधर से विंग निकलेंगे और हार्प लेके बज, वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर रूलरशिप। गॉड इज प्रिपेयरिंग अस फॉर किंगशिप, टू रूल एंड गवर्न द नेशंस ऑफ द अर्थ। हालेलुया। और आपको मालूम अन्य जाति के लोग भी होंगे, लेकिन वो सब के सब यीशु मसीह के आगे घुटना टेकेंगे। ये नहीं लिखा कि बॉर्न अगेन हो जाएंगे, लेकिन तब वो वचन पूरा होगा, हर घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो प्रोक्रिएट करेंगे लोग, उनके बच्चे होंगे, औलाद होंगी 1000 साल के लिए, और वो बहुत ही अद्भुत समा होगा। आपको मालूम 1000 साल के राज में अगर किसी इंसान की मौत होगी, किनकी, दुनिया के लोगों की, हमारी मौत नहीं, हमें अक्षय जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, तब दुनिया के वो जो लोग जो मसीह के राज्य में होंगे और हम हुक्मरान होंगे। हालेलुया। अभी तो हम मारे मारे फिरते हैं, अभी तो संसार हमें तुच्छ जानता है, लेकिन उस दिन हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। आपको मालूम उस समय 1000 साल के मसीह के ग्लोरियस राज्य में अगर कोई इंसान मरेगा अन्य जाति का, मौत होगी उस समय, दूसरे लोग मरेंगे, लेकिन प्रभु के लोग अविनाशी जीवन धारण कर चुके होंगे। जब एक व्यक्ति 100 साल का होके मरेगा, एक वचन पढ़े, आइज़ाया 65, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 65 अध्याय, आइज़ाया 65:20। इन मिलेनियम इफ समबडी इज डाइंग एट द एज ऑफ 100, यू नो व्हाट विल पीपल से, क्या बोलेंगे लोग, उससे फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। बच्चा भी नहीं मरेगा और अपनी उम्र पूरी किए कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होके मरेगा। अगर कोई बच्चा मरा है तो उसकी उम्र 100 साल की होगी, या टीनेजर। टीन एज इज लाइक 100 ईयर्स। इफ समबडी डाइड इन द टीन एज, पीपल विल से ही जस्ट डाइड बेयरली एट द एज ऑफ 100 ईयर। आपको मालूम अभी विज्ञान लॉन्जेविटी के ऊपर काम कर रहा है कि इंसान 100-150 साल जिंदा रहे। मेडिकल टेक्नोलॉजी उस दिशा में जा रही है, कैसे बंदे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से कैसे टिश्यू रिक्रिएट कर दिए जाएं, ऑर्गन रिक्रिएट कर दिए जाएं, बूढ़े होने वाले ऑर्गन दोबारा से नए कर दिए जाएं, ब्लड को नया क्रिएट कर दिया जाए, DNA रिपेयर कर दी, ये सब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि बंदे को लंबे समय तक जिंदा रखा। लेकिन मसीह के राज्य में अगर कोई बंदा 100 साल की एज में मरता है तो लोग कहते हो चढ़ती जवानी में मर गया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम वहीं पे एक वैली है, उसे दाऊद की नगरी कहते हैं, उस वैली का नाम है किद्रोन की वैली, और उसे बाइबल में यहोशाफाट की वैली भी कहा गया है, यहोशाफाट की तराई। जोएल नबी की पुस्तक 3:12 पढ़ लीजिए, जोएल 3:12, मैं पढ़ता नहीं हूँ अभी, अभी आप पढ़िए जोएल 3:12, वहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की सब जातियों को उभारेगा ताकि वो युद्ध करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो, जोएल 3:12। और अगर आप मत्ती रची सुसमाचार 25:31-26 और मत्ती 13:24-30 को पढ़ेंगे तो प्रभु यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है कि तब परमेश्वर आज्ञा देगा दूतों को, वो गेहूं को अलग करेंगे और टेयर्स को, जंगली बूटी को काट के अलग करेंगे, वीट शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम टेयर्स। ये प्रभु पृथ्वी के ऊपर करेगा 1000 साल के बाद,
क्या करेगा? जंगली बूटी अलग की जाएगी और वीट अलग कर दी जाएगी। हालेलुया। जंगली बूटी अलग और वीट अलग कर दी जाएगी जब मसीह 1000 साल का राज्य करने आ रहा है। और आपको मालूम, जो टेयर्स होंगे, जंगली बूटियां, उनको 1000 साल के लिए हटा दिया जाएगा। वो मिलेनियम रूल के अंदर दाखिल नहीं होंगे, जिसे शीप और गोट की जजमेंट कहा गया है, सेपरेशन कहा गया है। शीप और गोट सेपरेशन बाइबल में कहा गया है। और फिर जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, वो जो टेयर्स होंगे, जंगली बूटियां होंगे, अर्थात कौमें वो मुलक, तब वो परमेश्वर की वाइट थ्रोन जजमेंट को फेस करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 वचन को लिख लीजिए यहाँ पे, रेवलेशन 20 के 11 से 15। वाइट थ्रोन जजमेंट है ये, श्वेत सिंहासन पे यहोवा परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अब सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मैसेज को समाप्त करने से पहले। 1000 साल के यीशु मसीह के राज्य में एक बहुत अद्भुत काम होगा। इजिकियल नबी 40 अध्याय से लेके 47 अध्याय तक, इजिकियल बिगिनिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 40-47, इजिकियल बता रहा है एक टेम्पल के विषय में। और इतनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं इस टेम्पल की कि आज तक कोई आर्किटेक्चर बाइबल के 40-47 चैप्टर की डिटेल को माइन्यूटली लिख के उसको डिज़ाइन नहीं कर पाया वो जो टेम्पल बनेगी। बहुत इंट्रिकेट उसकी डिमेंशंस हैं, रूम्स, एक एक चीज़ की छोटी छोटी डिटेल दी गई है। कोई प्रीचर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किसी एक ज्यूइश आर्किटेक्चर ने वो पूरा मॉडल तैयार किया है, और वो पास्टर जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, जिन्हें वो मॉडल देंगे, एक जबरदस्त टेंपल बनेगा। अब आप सवाल करेंगे कि टेंपल की ज़रूरत क्या है जब जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पे स्वयं आ गए 1000 साल राज्य करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक पढ़िए जल्दी से, मैं एक दो वचन दे दूँ आपको। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय निकालिए। हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ आपको आशीष मिल रही होगी इन वचनों के द्वारा। यशायाह 24 अध्याय उसका 23 वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इन अद्भुत बातों को सीखना नहीं चाहते, इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। ये इतनी एनरिचिंग है ये बातें। आपको मालूम, आपका विश्वास, जितना आपको प्रभु का ज्ञान है उसके अनुपात में आपका विश्वास है। जितना प्रभु का ज़्यादा प्रकाश आपके पास होगा, उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। योर फेथ इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द रेवलेशन ऑफ गॉड दैट यू हैव। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू ग्रो इन फेथ, यू नीड टू ग्रो इन द रेवलेशन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यशायाह 24 अध्याय के 23 वचन को पढ़िए। यशायाह 24 के 23 को, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। यीशु मसीह खुद सिंहासन पे बैठेगा, सूरज शर्माएगा, क्योंकि यीशु मसीह के तेज के आगे सूरज का तेज फीका होगा, और चांद, क्योंकि खुद प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा राज्य करने आ रहा है। हालेलुया। और स्वयं राज्य करेगा। हालेलुया। और इजिकियल नबी उसका 34 अध्याय और उसका 23-24 वचन, इजिकियल नबी की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 23-24 वचन भी पढ़ लीजिए। इजिकियल 34 एक्सक्यूज मी 23-24 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा, अतः वह जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। हालेलुया। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और आशीषों की वर्षा होगी। लोग कई लिखते हैं ना मीटिंगों को आशीषों की वर्षा, बरकतां दी बरसात, वो कणियां भी नहीं डिगदियां उत्थे बरकतां दियां। कहते हैं बरकतां दी बरसात पर कणियां भी नहीं डिगदियां, बारिश गिरेगी बरकतों की। दाऊद यरूशलम का मेयर होगा। हालेलुया। राजा दाऊद यरूशलम का मेयर होगा और यीशु मसीह होगा किंग ऑफ ऑल किंग्स।
टेंपल जो होगी एक मासिव पैलेस होगा जिसके अंदर यीशु मसीह रहेगा 1000 साल के लिए पृथ्वी के ऊपर, और यीशु मसीह पूरी दुनिया को चलाएगा। हालेलुया। गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर। गवर्नमेंट एक मुल्क की नहीं भाई और बहनों, ब्रह्मांड की गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे होगी, और उसके नीचे दाऊद गडरिया बन के मेयर बन के गवर्नर बन के जरूशलम का राज्य करेगा। और आपको मालूम एक और अद्भुत काम क्या होगा, मैंने आपको बताया टेम्पल के अंदर से टेम्पल बनेगी, उसके बीच में से आबे हयात का दरिया बहेगा, और वो दरिया जाके डेड सी के श्राप को तोड़ देगा। मृतक सागर पे श्राप है, वहाँ पे जनाकार हरामकार होमोसेक्सुअल गे लिस्बियन लोग रहते थे जिन पे आग और गंदगी की वर्षा हुई, यीशु मसीह की हजूरी का पानी वहाँ जाके उसे हील कर देगा। और आपको मालूम ये जो टेम्पल होगी इसमें याजक कौन होंगे, जदोक के बेटे, जदोक का घराना, वो यहाँ पे याजक होंगे। पढ़ लीजिएगा आप इजिकियल नबी की पुस्तक 40:46, इजिकियल 40:46, इजिकियल 48:11। परमेश्वर इन्हें रेजरेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये दाऊद के फेथफुल थे। जब अबशलोम ने कू किया दाऊद के खिलाफ, तब लेवियों ने दाऊद का साथ नहीं दिया, लेकिन जैडोक जो हाई प्रीस्ट था उसके घराने ने दाऊद के साथ वो खड़े रहे। जीसस इज गोइंग टू रिवॉर्ड देयर फेथफुलनेस। द हाउस होल्ड ऑफ जेडोक विल बी रेजरेक्टेड, इजिकियल 48:11 एंड इजिकियल 40:46। दे विल मिनिस्टर एज होली सेक्रेड लिनेज ऑफ प्रीस्ट इन द टेम्पल। यीशु मसीह प्रीस्ट नहीं होगा। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे पहले आया, आपको मालूम वो नबी बन के आया, वो नबी था, ही वॉज अ प्रॉफिट वेन ही केम ऑन द अर्थ एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस एज योर एंड माई सेक्रीफाइस। आपकी और मेरी अटोनिंग डेथ, अटोनिंग ब्लड दिया जीसस क्राइस्ट ने। उसके बाद स्वर्ग गया और पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और हेवनली सेंचुरी में आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेल्कीज़ेदेक फॉर मोर देन 2000 ईयर्स जीसस क्राइस्ट इज डूइंग हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री। यीशु मसीह महायाजक है स्वर्ग में अभी, लेकिन अब जब लौट के आएगा तो यीशु मसीह ना तो प्रीस्ट होगा ना प्रॉफिट होगा। ही विल बी द किंग ऑफ ऑल किंग्स। गवर्नमेंट इधर लेने आ रहा अपने शोल्डर के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर यीशु मसीह राज्य करेगा, और आप और मैं उसके साथ होंगे। और आपको मालूम दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में क्या लिखा है, मसीह के बेमा सीट किया गया। उसका एक सिंहासन है, उसका नाम है बेमा। ये बेमा वो वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकला है बीमा। जैसे आपकी पॉलिसी इंश्योर होती है ना, जब पॉलिसी मच्योर होती तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये है 2 कुरिन्थियन 5:10, ये बेमा वही है। यहाँ पे आपके काम प्रभु के आगे लिए जाएंगे, और आग होगी प्रभु की हजूरी की, उस आग में से आपके काम निकाले जाएंगे, सोने के चांदी के और कीमती पत्थर के। एक ग्रुप ये है कामों का, एक है वुड स्टबल हे, लकड़ी घास और फूस के काम है। 6 तरह के काम है, सोना चांदी और कीमती पत्थर ये एक कैटेगरी, वुड स्टबल हे ये दूसरी कैटेगरी। ये काम आग में से निकाले जाएंगे, जो सोना चांदी कीमती पत्थर के हैं वो और खालिस होके कुंदन बन के निकलेंगे, लेकिन लकड़ी घास फूस जल जाएगा। तो कुछ लोग होंगे जिन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मत्ती रची सुसमाचार 25:31-36 पढ़िए कि दे विल बी इन टेरेबल पोजिशन, बचेंगे जलते जलते। आपकी क्या पोजीशन होगी, चांसलर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे। प्रभु क्या बताता है, मत्ती की इंजील में एक पैराबल प्रभु बताते हैं, मत्ती की इंजील 25:14-30। बहुत बाइबल स्टडी है, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं आप वचन पढ़िए, लिख लीजिए मत्ती 25:14-30, इसे पढ़िए। इसमें यीशु मसीह बता रहा वफादार नौकरों के विषय में। प्रभु कहता है ये वफादार नौकर है, इसे 5 सिटी के ऊपर गवर्नर बनाओ। ये वफादार है, इसको 10 सिटीज के ऊपर गवर्नर बनाओ। आप रेन एंड रूल करेंगे। आपका अब का जीवन, आपके काम, जो आप काम कर रहे हो, समझ रहे हैं आप, एक फॉल्स गॉस्पल प्रीच की गई हाइपर थियोलॉजी की, हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, जिसमें
यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया अपनी धार्मिकता देके, हम कुछ नहीं दे सकते थे, उसने अपनी धार्मिकता हमें देके धर्मी बनाया, और ही रेकनसाइल्ड अस टू गॉड, और उसने हमें राइचस बना दिया। लेकिन जब हम राइचस बन गए, उसके बाद हमें राइचस जीवन जीना है, ये नहीं सिखाया इन पादरियों ने, ये पैगाम नहीं दिया। पवित्र धर्मी जीवन, यहोवा के कलाम को अपने अंदर लेके चलना है, उसकी आज्ञाओं में जीवन जीना है। तो ये इनाम मत्ती 25:14-30 पढ़ लीजिएगा पैराबल, उनको जो वफादार हैं, तीन बातें प्रभु बोलता है जो वफादार है और जो फल लाया है, ही हु प्रोड्यूस्ड फ्रूट, जो वफादार फेथफुल है और जो फल लाया है, और तीसरी बात प्रभु कहते हैं जिसने जय पाई है, शरीर की अभिलाषाओं पे जयवंत हुआ, शैतानी कुवतों के ऊपर जयवंत हुआ और संसार के ऊपर जयवंत हुआ। प्रभु कहता है मैं उसे अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा जैसे मैंने भी जय पाई और पिता के साथ बैठा हूँ। हालेलुया, समझ रहे हैं आप, कारोनेशन होगी, अलग अलग मुकुट मिलेंगे, ये डिपेंड होगा बेमा सीट, बेमा का मतलब कि आपकी पॉलिसी मच्योर होंगी वहाँ पे। तो अपने जीवन पे गौर करिए, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कितनी यीशु मसीह की ज्योति को फैला रहे हैं। ये सच्चे कलाम, सच्चे वचन आपके जीवन में मैं बो रहा हूँ बिना लाग लपेट के, समझ रहे हैं आप। आत्मा, पवित्र आत्मा ये काम मुझसे करवा रहा लॉकडाउन में, ताकि ये सच्चे कलाम के बीज लोगों के अंदर बोए जाएं। वरना आपने वही सुना है, गॉड इज गोइंग टू डू अ मिरेकल, गॉड इज गोइंग टू डू अ हीलिंग, गॉड इज गोइंग टू डू दिस, गॉड इज गोइंग टू गिव यू सुपर अबंडेंस, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अनदर कार, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ बिग बैंगलो, ग्रेट ब्लेसिंग इज कमिंग, आई एम गोइंग टू मेक यू मल्टी मिलियनियर, मल्टी मिलियन अनॉइंटिंग इज ऑन मी, यही सब कुछ सुन रहे ना आप। ये सच्चा कलाम तो नहीं ना सुना आपने, ये है परमेश्वर का सच्चा कलाम। उसके बेमा सीट के आगे आपको और मुझे खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। और आपको मालूम, जब यीशु मसीह राज्य करेगा तब कलाम बताता है कोई एथीस्ट नहीं होगा, नास्तिक नहीं होगा, बलवा करने वाला नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, 1000 साल वो राज्य करेगा। हालेलुया। और प्रतिफल देगा। ये 1000 साल के राज्य की बातें आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम, यीशु मसीह जब आएगा, वचन में लिखा उसकी बॉडी में स्कार्स होंगे, जबकि पत्रस बताता है, पलूस बताता है 2 कुरिन्थियों 5:1-10 में अगर आप पढ़ेंगे, और इब्रानियों 12:22-23 में पढ़ेंगे, पलूस बताता है कि सारे सेंट परफेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं रहेगी जब आपको नई बॉडी मिलेगी। आप इतने हैंडसम, खूबसूरत और जलाली दिखेंगे जब नई बॉडी आपको मिलेगी। सब आपकी डिसेबिलिटीज़, सब आपकी प्रॉब्लम, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सब खत्म कर दी जाएंगी, जलाली देह मिलेगी आपको। और इब्रानियों 12:22 में भी लिखा है परफेक्ट सेंट्स इन ग्लोरी, कि संत कामिल कर दिए जाएंगे जलाल में। लेकिन सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह की देह में फिर भी ये स्कार क्यों है? व्हाई वाजंट हिज बॉडी परफेक्टेड? ही इज द प्रोटोटाइप, ही इज द फर्स्ट फ्रूट। हम सब उसकी नकल पे बनाए जा रहे हैं, उसकी शक्ल पे बनाए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ें जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की किताब, और उसका 13 अध्याय निकालिए जल्दी से, जकरिया चैप्टर नंबर 13 और उसकी वर्स नंबर 6 पढ़ें, जकरिया 13:6 पढ़िए, जकरिया नबी की पुस्तक 13:6। ये जो स्टडी करवा रहा हूँ आपको, ये समझ लीजिए बाइबल स्कूल है। हालेलुया। जकरिया 13:6 लिख लीजिए ताकि आपके पास नोट्स हो, आप प्रभु के वचन को जाएं। ये है, इससे प्यार करना आपने, ये है कीमती धन, ये वो मोती है, बेशकीमती नायाब मोती, जो एक खेत में किसी ने देखा, उसको मालूम था मोती क्या होते हैं, उसने अपना सब कुछ बेच दिया, खेती खरीद लिया। ऐसा काम करें, ये मोती हैं सच्चा जिंदा कलाम। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है 13:6 में, लिख दीजिए उधर भी, नीचे भी, जकरिया 13:6। तब उससे ये पूछा जाएगा, किससे? यीशु मसीह से, जब वो आएगा उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए?
तब वह कहेगा ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। यहूदी उससे पूछेंगे ये जख्म कैसे, तो वो अपना बदन खोल के दिखाएगा ये जख्म मुझे तुम्ही ने दिए हैं। यीशु मसीह कुछ मिस्ट्रीज हैं हेवन की। यीशु मसीह की बॉडी में ये स्कार इटर्नल हो गए हैं, ये मिटेंगे नहीं कभी। आपको मालूम शैतान अगर चैलेंज करेगा अटोनमेंट को तो यहोवा की कोर्ट में यीशु मसीह अपनी अपने निशान दिखाएगा, ऐसे घाव, ये मेरे जो स्कार हैं, मेरे वूंड हैं, ये मेरी प्रजा की फिरौती है, अटोनमेंट की पूरी पूरी कीमत है जो मैंने चुका दी है। हालेलुया। साम 22 उसकी 16 वर्स भी पढ़ लीजिएगा। वो 1000 साल का राज्य करने के लिए आ रहा है। अद्भुत है ये राज्य। आप लोग होंगे जलाली देह में, हम जलाली देह में होंगे, दुनिया के लोग नाशवान देह में होंगे, लेकिन तब भी वो लंबी उम्र भोगेंगे। 100 साल में मरने वाले को कहा जाएगा जवानी में मर गया। ग्लोरियस टाइम आ रहा है। शैतान नहीं होगा, पाप नहीं होगा, बदकारी नहीं होगी, उसमें हम राज्य करेंगे। तैयारी कीजिए अपनी। आपको गवर्नर बनाया जाए, चांसलर बनाया जाए, 10 सिटीज दी जाएं, 20 दी जाएं, प्रोविंस दी जाए, पूरी कंट्री दी जाए, चांसलर किंग बना दिया जाए, ये डिपेंड करता है हाउ यू लिव नाउ, हाउ यू यूज द टैलेंट्स गॉड हैज गिवन यू, द पोटेंशियल दैट यू हैव, योर विजडम, योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग, योर वेरी लाइफ दैट द लॉर्ड हैज गिवन यू। आपको जो इन्फ्लुएंस दी है उसने, उसे कैसे यूज करते हो, जो वेल्थ दी है उसने आपको, उसे कैसे यूज करते हो, जो फैमिली दी आपको प्रभु ने, उसे कैसे यूज करते हो, हर अपॉर्चुनिटी जो उसने दी है, हाउ यू यूज दैट विल डिटर्मन वट यू विल बिकम ड्यूरिंग मिलेनियम। वचन पढ़िए, ये छोटी छोटी बातें आपको खोल खोल के बता रहा हूँ मैं, इनको लिखिए, इन पर अध्ययन कीजिए, इसके अंदर जियो। मैं 24/7 इसके अंदर जीता हूँ, इसके अंदर घुस के रहता हूँ, आप भी रह सकते हैं इसके अंदर घुस के। हालेलुया। मिलेनियम की बातें सीखिए, उसके पास जाइए, उससे प्रीति कीजिए, वो आपको अपने भेद देगा, उसके संग संग चिपक के। आपको मालूम एक बात बताता हूँ आपको, इसराइल में जब गडरिया अपनी भेड़ों को लेके जाता था तो कुछ छोटे छोटे लेले होते थे, छोटी छोटी भेड़ें, तो गडरिये के पास एक बैग होता था लेदर का, एक और लेदर का बैग होता था जिसके अंदर ऑलिव ऑयल होता था, एक लाठी होती और एक सोटा होता था, दो चीज़ें उसके हाथ में होती थी। तो कुछ छोटे छोटे लेले, छोटे छोटे लैम उसकी टांगों में आके ऐसे ऐसे घुसते हैं गडरिये की। तो गडरिये ने क्या किया होता है, बहुत मीठी मीठी फ्रूट छोटे छोटे और हर्ब्स मीठी मीठी एक थैली के अंदर डाली होती है। जब छोटे छोटे लैम उसके करीब आते हैं तो वो अपने हाथ से ऐसे निकाल के वो हर्ब्स और छोटे छोटे फ्रूट, जंगली वाइल्ड बेरीज वगैरह होती, मीठे मीठे फ्रूट, वो मेमनों के मुंह में डालता है। तो मेमने गडरिये के बहुत करीब चलते हैं, उनको मालूम है हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। हालेलुया। ऐसे चलिए उसके साथ। हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए। Lord, we thank you. Jesus, the shepherd of our soul, we bless you. We praise your holy name. We give you glory and honor. Draw us closer to you. Draw us closer through your blood. Bless us with the blessing of intimacy with you. Open our eyes to see you. Cleanse our heart, Lord. Cleanse her mouth, her lips, cleanse her eyes in the blood, cleanse her ear. We want to see you. We want to dwell around your feet, O Master. Hallelujah. Pour out this grace on us. Hallelujah. We bless you. Aaj ki shaam teri mehma karte hain. Yeshu Masih ke jalali naam mein. Amen. Hallelujah. Prabhu, aap sabko bahut aashish de. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह करे कि आपका यीशु मसीह के साथ संबंध बहुत गहरा होता जाए।
हालेलुया। कुछ लोग यूएसए और कई कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे बोल रहे हैं कि एक मैसेज इंग्लिश में किया जाए, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि एक 10-15 मिनट्स का मैसेज करूँ ओनली इन इंग्लिश फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। तो कल अगर मॉर्निंग में हम ना करें और इवनिंग में एक करें तो कैसा रहेगा? इफ वी डोंट हैव मॉर्निंग सर्विस एंड वी ओनली हैव वन इन द इवनिंग, हाउ वुड बी दैट? प्लीज़ लेट मी नो। हालेलुया। तो कल एक मैं इंग्लिश में करूँगा, मे बी आई रिकॉर्ड अ मैसेज एंड लोड इट ऑन यूट्यूब एंड देन सेंड टू दोज पीपल। हालेलुया। सो लेट मी नो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को, घरानों को बरकत दे। यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। प्रभु की कृपा आपके ऊपर यीशु मसीह के जलाली नाम में। इट इज़ आमीन। इट इज़ सो वंडरफुल कि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे आप जुड़ के कलाम सुनते हो। इज इट इट द होली स्पिरिट? लोग तो 20 मिनट में चर्च में बोर हो जाते हैं। कई लोग मुझे लिखते हैं, इट इज़ मोर देन अ चर्च, वी जस्ट सेंस लाइक वी आर हैविंग द चर्च, वी आर हैविंग वेरी डीप फेलोशिप विद द लॉर्ड। दिस इज सच अ प्रिविलेज। प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह है। सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को। हालेलुया। जो लोग प्रभु भोज करना चाहते हैं, अभी 10 मिनट के बाद एग्जैक्ट मैं फिर ऑनलाइन हो जाऊंगा, और 10 मिनट के बाद आप जुड़ जाइए। एक रोटी बना लीजिए, दाखरस बना लीजिए, रेजिन से बना सकते हैं, किशमिश से, या ग्रेप जूस ले लीजिए, और 10 मिनट के बाद आ जाइए। लेट्स डू द होली कम्युनियन। आज उपवास का दूसरा दिन है। हालेलुया। कल तीसरा है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने रखा है। अगर आप उपवास रखना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा पवित्र आत्मा। तो हिम्मत कीजिए, उपवास रखिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। ब्रदर कह रहे हैं मॉर्निंग में भी कीजिए। हम नहीं जी सकते प्रभु के वचन के बगैर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।